दशहरा के पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दशहरा का त्यौहार असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण का दहन होता है और मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, जिस तरह रावण का दहन दशहरे के दिन हुआ था, विजय दशमी के रूप में से मनाया जाता है, इसी तरह भ्रष्टाचार का दहन हम मिलकर करेंगे, राजस्थान को नए पथ पर लेकर चलेंगे। दूसरा, जो प्रदेश के अंदर कानून की स्थिति बिगड़ी है, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हमारे नागौर जिले के अंदर कानून की स्थिति पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गई, कंट्रोल में नहीं है। चुनाव की आड़ के अंदर पुलिस खुलेआम चोर वसूली कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। एक तरफ तो माफिया पनप रहा है, शराब माफिया, गैंगवार हो रहा है। पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो अपराध का ग्राफ बढ़ा, वो पिछले 10-15 साल के अपराध से ज़्यादा अपराध का ग्राफ 3-4 महीने से बढ़ गया। इसके अंदर सारे जो यहाँ के जिला कलेक्टर, जिला SP जिम्मेदार है और चुनाव की आड़ के अंदर सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है। यहाँ के खींवसर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को पाबंद किया जा रहा है जिन पे एक भी मुकदमा नहीं है, और सारे थानों के हिस्ट्री शीटर जिनको थानों में ला के खुलेआम पुलिस ने छोड़ दिया, उन हिस्ट्री शीटर जितने भी हैं उनका गुंडा एक्ट के अंदर चालान सरकार को करना चाहिए। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए आ रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रेस और मीडिया के माध्यम से अपील रहेगी कि जितने भी गुंडे नागौर जिले के HS हैं, उन सबका HS का वापस 110 के अंदर गुंडा एक्ट के अंदर चालान करें, उनको लाके थानों के अंदर पाबंद करें। जो गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, अभी समाचार मिला जाहिर के अंदर आपसी गोलीबारी के अंदर दुगस्ताओं में बता रहे हत्या की सूचना मिली है, घायल भी हो गए। तो ये कहीं कहीं पुलिस का जो सिस्टम है इन बदमाशों से मिला हुआ है। बड़ी मुश्किल से पहले जो गैंगवार है राजस्थान में ख़त्म हुआ और फिर नागौर और सीकर के इलाके गैंगवार की चपेट के अंदर आ रहे हैं। इसमें यहाँ की सारा दोष यहाँ की पुलिस का दोष है और नागौर के अंदर जो चीज़ें बिगड़ी है उसमें यहाँ के जिला कलेक्टर और SP पूरी तरीके से दोषी है, जो पल पल में अपनी बात बदलते रहते हैं, जिनकी बात का कोई भरोसा नहीं, और चाहे जैसी हरकतें कर रहे हैं। खुली चोट वसूली नागौर के अंदर हो रही है थानों से। मेरे कई ऐसे तो कह रहे थे कि हम क्या करें साहब, बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिली है, दूसरा सिस्टम हम लोगों ने किया। तो मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत बेटा हारने के बाद बौखला गए और इस उपचुनाव के अंदर खुली छूट दे दी कि पुलिस और सरकार के माध्यम से चुनाव जीतेंगे। सफर करा दिए जो यहाँ के हमारे कर्मचारी थे, किसी को बाड़मेर भेज रहे हो, किसी को बिजली का हेल्पर क्या करेगा, उसको भी आप अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर भेज रहे हो, PhD वालों को हटा रहे हो, PWD का, चाहे जो आपने यहाँ पे किया, उसका परिणाम नागौर की जनता खींवसर के उपचुनाव के अंदर आपको देगी। 50,000 से ज़्यादा वोटों से RLP कांग्रेस को यहाँ हराएगी और मैं मंडावा के अंदर भी आज कल के अंदर जा रहा हूँ, एक दिन मेरा पहला कार्यक्रम बनेगा, उसके बाद दूसरा मंडावा के अंदर BJP प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं संबोधित करूँगा, उसके बाद हरियाणा जाऊँगा। जिस तरह कांग्रेस मुक्त देश हुआ है, कांग्रेस मुक्त राजस्थान करेंगे। भाजपा RLP गठबंधन दोनों सीटें राजस्थान के अंदर जीतेगा। इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अगर कानून की स्थिति यही रही, थानों के अंदर जो आज नागौर शहर के अंदर जो चोरियों की वारदातें हुई, चाहे अपराध बढ़ा, सारा जो सिस्टम फेल हुआ नागौर के अंदर, इस सिस्टम को सुधारने के लिए हो सकता है हमें सड़क पर भी बैठना पड़े। तो हम चुनाव के दौरान भी आंदोलन का विचार करें, कोई आंदोलन किया जाए जिससे सरकार की आँख खुले, क्योंकि SP कलेक्टर तो इसमें बैठे हैं कि चुनाव आचार संहिता तक हमें कोई हटा नहीं सकता। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से भी अपील करूँगा कि इनको पाबंद करे, ऐसे लोगों को हटाए जिनकी वजह से गैंगवार नागौर के अंदर बढ़े, अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रोज एक से एक घटनाएँ, बलात्कार की घटनाएँ, लूट की घटनाएँ, डकैती की घटनाएँ, शराब माफियाओं के झगड़े, गैंगवार ही नागौर में बढ़े और नागौर अपराधियों का एसगा बन गया, अड्डा बन गया अपराधियों का। और इसके लिए अब जो दोषी है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक दोषी है, यहाँ का सिस्टम दोषी है और यहाँ के जो उपचुनाव लड़ रहे हैं हमारे बीच, जो वर्षों बाद यहाँ आए हैं जिस तरीके से विकास की बात लेके, वो भी कहीं कहीं इसलिए दोषी, उन्होंने अपने क्षेत्र लोगों की पोस्टिंग करा ली। पूरे इलाके के अंदर जो 12-13-14 थाने, ऐसे थानाधिकारियों को लगा दिया जिनकी जाँच करके यहाँ से सस्पेंड करके जिनको भगाया था, उन सबको यहाँ लेके आ गए। लग रहा है कि अशोक गहलोत पुलिस के माध्यम से इस बार मतदान कराएंगे, ऐसा लग रहा है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए। मैं सरकार को चेताता हूँ ऐसी गलती मत करना, नहीं तो इसका खामियाजा पूरे राजस्थान के अंदर सरकार को भुगतना पड़ेगा। वैसे अशोक गहलोत जी की अंतिम पारी है,
जिस तरह इनके बेटे की विदाई जोधपुर से हम लोगों ने करी थी, उसी तरह गहलोत जी की विदाई भी, दोनों चुनाव कांग्रेस जैसे ही हारेगी इनका इनको क्लीन बोल्ड कर देंगे, इनके विकेट उड़ा देंगे, हम दोनों चुनाव जीतेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत खींचर के अंदर होगी। 36 कौम हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी और RLP का एक एक कार्यकर्ता खींचर में इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर लड़ रहा है। ये चुनाव गहलोत वर्सेज राजस्थान की आम जनता का चुनाव है, इसमें गहलोत को परास्त करेंगे। ये तय है, खींचर की जनता ने मन बना लिया, मंडावा की जनता ने मन बना लिया, मंडावा सहित आज मेरा कार्यक्रम बन जाएगा। हो सकता है 10 तारीख को, अभी कार्यक्रम फाइनल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 तारीख तक मंडावा का मेरा कार्यक्रम बने। मैं हर पंचायत मुख्यालय में खींचर के अंदर जा रहा हूँ, तमाम पंचायत मुख्यालयों में और गाँव में जाने की आवश्यकता, गाँव में भी जाएंगे। और प्रमुख नेता अर्जुन मेघवाल जी और भाई हमारे जोधपुर के मंत्री गजेंद्र सिंह जी, ये तमाम नेता भी एक दो दिनों बाद एक बार वोट की अपील करने के लिए तमाम लोग आएंगे। और कांग्रेस की सरकार भी पूरा घेराबंदी कर रही है, ये चुनाव आम आदमी वर्सेज उन लोगों का चुनाव है जिन्होंने 70 साल नागौर को अंधेरे कुएं में धकेल दिया, विकास की राह के अंदर रोड़े बने, ये जो 70 साल 60 साल मंत्री रहे दिल्ली और जयपुर के अंदर, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, पीने का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हुआ और लोगों को गुलामी की ओर धकेला। वो अब लोग खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और इन लोगों को दोबारा मौका नागौर के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने खींचर चुनाव के अंदर RLP की तरह से प्रभारी नियुक्त किए हैं। खींचर के अंदर हमारे गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग इस चुनाव में RLP पार्टी की तरफ से पूरे चुनाव के प्रभारी होंगे, और सह प्रभारी के रूप में इंदिरा बावरी जो मेड़ता की विधायक है वो सह प्रभारी, और अनिल बारूपाल जो रालोपा प्रत्याशी थे जाहिल से, उनको भी सह प्रभारी नियुक्त किया खींचर के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी सह प्रभारी है उनसे कोऑर्डिनेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव का मैनेजमेंट कैसे ठीक हो, किस तरह हम एक एक मतदाता तक पहुँचे, किस तरह चुनाव करेंगे, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर RLP BJP के प्रभारी साथ मिलकर इस काम को करेंगे। इसी तरह मैंने मंडावा के अंदर मनीष चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव RLP के, उनको मंडावा का प्रभारी नियुक्त किया है। दौलत मेला जो छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के पुराने हैं वो मंडावा के सह प्रभारी होंगे, और रणदीप सिंह चौधरी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता है उनको मैंने मंडावा का सह प्रभारी नियुक्त किया। आवश्यकता पड़ी तो दो दो तीन तीन सह प्रभारी और भी आजकल के अंदर नियुक्त किए जाएंगे। दोनों चुनाव जीतना हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। मोदी जी ने जो भरोसा मेरे ऊपर किया, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को नहीं मानते हुए, परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ टिकट दिए अपने परिवार के जो भी लोग थे, चाहे MP था या MLA था, तो नहीं उनके भाइयों को टिकट दिए और न उनके परिवार से टिकट दिए। सिर्फ खींचर में खींचर की जनता की डिमांड पे, खींचर की जनता चाह रही थी कि 2018 का वोट हनुमान बेनीवाल को दिया है तो इनके परिवार को हम वोट डालेंगे, अन्य हमें कोई मंजूर नहीं। तब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सतीश पूनिया जी और संगठन के जो प्रमुख नेता थे गुलाब कटारिया जी, उन्हें सबसे मैंने बात करी और इन सब का भी मैंने कहा कि मैंने कहा खींचर की जनता चाहती है कि मेरे परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ा तभी वोट डालेंगे, जनता का मेरे पर बहुत बड़ा दबाव है, मैं परिवार से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जनता की अगर ये भावना है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व को हम ज्ञान संज्ञान में ला देते हैं मामला। और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात पड़ा था कि किसी भी परिवार के व्यक्ति को, सांसद विधायक के परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमारे सहयोगी दल के नेता MP है और निश्चित रूप से खींचर में अगर उनको अच्छा उम्मीदवार इनके परिवार से मिलता है तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा, अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हनुमान बेनीवाल के ऊपर किया है, एक अलग तरीके से खींचर में BJP ने RLP को परिवारवाद नहीं मानते जो सपोर्ट किया मेरे छोटे भाई को, इसका तो मैं धन्यवाद राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस बात की भी शुभकामनाएं दूंगा कि आज उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण किया। ये हमारे उस जमाने के नेता हैं जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, ये यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़े हैं, हमने इनको पहला वोट डाला था 1992 के अंदर, तब से लेकर लगातार इन्होंने संघर्ष भी किया, मुकाम हासिल किया। ये भी एक किसान का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बना, इसका बहुत अच्छा मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर है। मैं मेरे राजस्थान के नौजवान भाइयों से ये भी अपील करूंगा कि मंडावा और खींचर के चुनाव जीतने का मतलब है कि किसान के बेटे सतीश पूनिया की भी बहुत बड़ी जीत हुई। ये चुनाव गहलोत वर्सेज किसान है और इसमें कांग्रेस पार्टी को दोनों चुनाव के अंदर हराना है।
नागौर की कानून व्यवस्था को ठीक करना, भ्रष्टाचारी जो भी नागौर के अंदर बैठे हैं सत्ता की आड़ के अंदर, जिन्होंने गुंडागर्दी अभी भी करी जो 20 दिन करना चाहते हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल कमजोर नेता नहीं है। चुनाव की आड़ के अंदर अगर सरकार ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, मेरे लोगों को तंग परेशान और सताया, तो बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दूंगा। ये भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लोग यहाँ लगे हुए उनको गलत तरीके से परेशान नहीं करें। मैं फिर चेताता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि खींवसर में बेवजह लोगों को परेशान नहीं करे, विजिलेंस की कार्रवाई नहीं करे, जबरदस्ती सीट नहीं भरे। कितने बड़े बयाल हो गए कि ट्रांसफार्मर गांव का जल गया, अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो ट्रांसफार्मर दिलाएंगे और वोट नहीं दोगे। अब आप बताओ पूरे कर्मचारी को लगा दिया चुनाव करने, थानेदार को कह दे उसको पाबंद कर दो, वोट दे रहा तो नोटिस नहीं देंगे, नहीं दे रहा तो नोटिस लेते रहो, हम 107 छोड़ा पाबंद करते हैं। यार गुंडागर्दी हो गई, इस गुंडागर्दी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने जो अभी मेरे किसी ने बताया था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बयान दिया कि यहाँ तो जबरदस्ती चुनाव जीते हैं, उनको चीज़ का पता नहीं कि कांग्रेस की जमान जब मेरे सामने 2-3 बार हुई और कांग्रेस हमेशा आ रही 3 के अंदर, मुंडवा से कांग्रेस 3 नंबर पर रही, 8 के अंदर कांग्रेस की जमान जब तो 16,000 वोट आए, 13 में आधे रह गए 8,000 आए, और 14 के अंदर जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस की कैंडिडेट थी उसकी जमान जब तो मेरे सामने जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 18 में मैंने प्रचार ही नहीं किया, खींवसर की जनता खुद चुनाव लड़ी RLP पार्टी से हनुमान बेनीवाल बढ़ के, तब सारी के सारी मेरे विरोधी दल बसपा और सारे लोग मिलके और उन्होंने 65,000 वोट लिए थे, तब बिना गांव गांव गए हनुमान बेनीवाल को 17,000 जिताया। फिर लोगों को एहसास हुआ कि बहुत गलत दिशा के अंदर वोट हमने डाल दिया, और फिर जब लोकसभा का चुनाव था तो ज्योति मिर्धा को 55,000 वोटों से खींवसर के अंदर जनता ने हराया सबसे हाईएस्ट जीत से। और मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा, ये आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है, अगर प्रदेश के अंदर गरीब आदमी कोई लड़ रहा है, आम आदमी के लिए कोई लड़ रहा है, माफियाओं के खिलाफ कोई लड़ रहा है, बंजारा समाज का आंदोलन आपने देखा होगा कि उनके लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी संघर्ष किया तो हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को खींवसर की नागौर की जनता राजस्थान का नौजवान भुला नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल विचारधारा राजस्थान के अंदर, और इस विचारधारा को लोग इस RLP को मजबूत वोट के रूप में राजस्थान के अंदर देखना चाहते हैं, और RLP BJP का गठबंधन राजस्थान में लंबा चलेगा, पंचायत चुनाव के अंदर भी गठबंधन रहेगा। जब तक हम कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं कर दें तब तक हम रुकेंगे नहीं, इसी तरह चलते रहे। भाई साहब आपने बात बताई थी कि खींवसर में पाबंद करने की जो कार्रवाई हो रही है वो आपके समर्थकों और जो सरकारी कर्मचारी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को पहले तो खूब तबादले किए, उन लोगों के चले गए बजाय रिलीव हो गए, कईयों ने ट्रिब्यूनल सर्विस ट्रिब्यूनल से इस्ते लिया, कईयों ने हाईकोर्ट से इस्ते लिया, और उन लोगों को पाबंद किया जा रहा है जिन पे कोई केस नहीं है, और जो हिस्ट्री शीट है और वो कांग्रेस के नेता के पास चला गया उसको टेलीफोन करा दिया, उसको कोई लेटर भी जारी नहीं हो रहा। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को, ये किस तरह का दौरा, आप कौन सी चुनाव आचार संहिता, भाई मैं मुख्य चुनाव आयोग से भी अपील करता हूँ कि चुनाव के समय जितने भी गुंडे बदमाश है उन सबको बंद किया जाता है। मैं बात करूंगा इस मामले में DGP से भी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, जिन पे 50-50, 40-40 मुकदमे हैं उनको कोई नोटिस नहीं दे रहे हो, उनका 110 गुंडा एक्ट में चालान नहीं कर रहे हो, और जिन लोगों पे एक भी मुकदमा नहीं है, एक एक गांव में 50-50 लोगों को कुर्सी गांव के अंदर 40-50 लोगों के मुचल के भर लिया आपने, 107-16 के अंदर पाबंद कर दिया, किसी को 151 के अंदर ला रहे हो, गुंडागर्दी की हति हो गई भाई। अगर इसी तरह चलेगा तो बिल्कुल बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो जाएगा इलेक्शन के अंदर। सरकार को सोचना चाहिए कि गुंडागर्दी के बल पे बड़े बड़े लोग चले गए, हिटलर भी चला गया इस देश से, इसलिए अशोक गहलोत सोच रहा होगा कि जिस तरह RCA के अंदर अपने बेटे को अवैधानिक तरीके से अध्यक्ष बना दिया, वो अशोक गहलोत के बेटे के सामने मजबूत लोग नहीं थे। अब मुकाबला हनुमान बेनीवाल से, इस बात का भी ध्यान रखें गहलोत साहब, कहीं इस चक्कर के अंदर कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए कांग्रेस पार्टी का, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लें। सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तमाम थाना क्षेत्रों के अंदर जो RLP के समर्थक हैं या BJP के समर्थक हैं, उन्हीं दुकानों पे छापे मारे जा रहे हैं, उन्हीं मेडिकल स्टोर पे छापे मारे जा रहे हैं, उन्हीं लाइसेंस वही निरस्त किए जा रहे हैं राशन के जो BJP RLP के समर्थक हैं, तो क्या बाकी जगह काम सारा सही चल रहा है क्या? चुनाव के वक्त ऐसे काम नहीं करते, आदर्श आचार संहिता का पालन नागौर के अंदर नहीं हो रहा है, पूरी गुंडागर्दी, नागौर का कलेक्टर, नागौर का SDM और यहाँ पे सारे हालात जो ये पूरी गुंडागर्दी भी आचार संहिता के दरमियान चल रही है। भूमाफियाओं से मिल गए, अभी
5 बीघा जमीन जो डे रोड पे है उसका कलेक्टर और एसडीएम ने उस अंगूर की भूमि का अलॉटमेंट कर दिया, जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है, और अब कलेक्टर उसका म्यूटेशन बढ़ने के दबाव डाल रहे हैं। इतनी भूख आ गई है कलेक्टर एसडीएम के कि इस तरह करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है किसी माफिया का हाथ माफ दे दोगे। इस मामले को मैं पुरजोर तरीके से आपके माध्यम से उठा रहा हूँ। ऐसे मामलों का भी मैं लोकतंत्र के चौथे पर रही हूँ, आप लोग आपके माध्यम से ऐसे मामले संज्ञान के अंदर आने चाहिए। गहलोत को बेटे की बौखलाहट से उसको MLA MP बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस तरह करेंगे तो वापस MLA MP का कभी काम नहीं पड़ेगा। हम अभी यहीं रहेंगे, आगे भी जब चुनाव होंगे ना तो हम जाएंगे थोड़े ही। अशोक गहलोत का बेटा MLA RCA का चेयरमैन जरूर बन सकता है, RCA का प्रेसिडेंट वो बना सकता है सत्ता के दम पर, लेकिन MLA MP बनाने के लिए जनता के बीच जाना होगा, और जनता के बीच जाने के लिए अपना जो चेहरा है उस चेहरे को साफ लेके जाना होगा। ये बेनकाब होंगे और सारे काम जो यहाँ हो रहे हैं वो आपके सामने हैं, और जो मैंने बताया आप आराम से उनकी आपको मैं लिस्ट भी दे दूंगा कि किन किन थाना क्षेत्रों से, थाना क्षेत्र से कितने हुए, भावंडा से कितने हुए, कुचेरा से कितने हुए, सदर से कितने हुए, कोतवाली से कितने हुए, तमाम क्यों से विधानसभा क्षेत्र मेड़ता से लेकर सारे तमाम थाना क्षेत्रों से नागौर SDM सारे जो SDM हैं जो लगते हैं तीनों, ये SDM भी पाबंदी के नोटिस जारी करके लोगों को डरा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से खुली गुंडागर्दी हो गई कि सत्ता के दम पर चुनाव कैसे जीता जाए। तो सरकार सत्ता के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, बड़ी बड़ी सरकारें चली गई और बड़े बड़े गुंडे इस देश से चले गए। इसलिए गहलोत साहब आप समय रहते इस चीज़ को आप समझें, आपकी बस की बात नहीं है। आप कितने वीर हैं हम जानते हैं, आपकी वीरता हमने देखी है, किस तरह मोलासर के अंदर आप भागे थे वो दिन भी याद है, नागौर की जनता को 2000 के अंदर आप तो भागते हुए सबको पीछे छोड़ कर चले गए थे। उस समय 100 मीटर का धावक भी नहीं भागता जितने तेजी से आप भागे थे मोलासर के अंदर। पूरा प्रदेश जानता था आप कितने वीर, कितनी जाँच आपने कराई, कितने लोगों को आपने अंदर डाला। मिला जुली का खेल चला राजस्थान के अंदर 20 साल तक, आपने जम के राजस्थान को लूटा, और अब राजस्थान आपसे लूटने वाला नहीं, नौजवानों ने कमर संभाल लिए, अब आप ज्यादा दिन सत्ता के अंदर भी नहीं रहो। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांग रहे नरेंद्र मिर्जा को टिकट नहीं दिया था, और उससे पहले भी टिकट नहीं दिया था, वो मिर्जा से चुनाव लड़ते तब तो मैंने लड़ाया था उनको नागौर से 2013 के अंदर उनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन अब पता नहीं किस हिसाब से टिकट मिला क्या मिला वो जाने। मेरा मुकाबला नरेंद्र मिर्जा से नहीं है, हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत का मुकाबला है क्यों सद अंदर, और मंडावा के अंदर किसान पुत्र और सामने अशोक गहलोत है, ये किसानों का और गहलोत का मुकाबला सीधा, गहलोत मुक्त राजस्थान चाहते हैं। ये जो पापन करने की कार्रवाई हो रही है RLP के कार्यकर्ताओं पर, तो इसमें जो प्रत्याशी है कांग्रेस के उनकी भी कोई दबाव की भूमिका है? वो तो पूरा ही कर रहे हैं भाई, वही तो लिस्टें भेज रहे हैं सारी, अभी तो मुकदमे ही उनके दर्ज हो रहे हैं जो कांग्रेस का प्रत्याशी SP को फोन कर रहा है। अभी CM ने ये कह रखा है SP को और कलेक्टर को कि मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं, जो हमारा कैंडिडेट का वही काम कर दो आप, समझे उन जगहों पर सारी जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई वही करो जो मेरा प्रत्याशी जीतना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको 2-4 एनकाउंटर करने पड़े, ये तक कह दिया। उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सभा हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे, गुलाब जी कटारिया भी थे, राजेंद्र राठौड़ जी भी थे उस दिन, प्रमुख लोग यहाँ के हमारे गजेंद्र सिंह जी भी थे, RLP की टीम भी पूरी थी। अगर आवश्यकता पड़ी और जनता की डिमांड होगी तो हम बुलाएंगे, बाकी भाजपा के ज़्यादातर स्टार प्रचारक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर लगे हुए हैं, और आवश्यकता पड़ने में मैं भी हरियाणा जाऊँगा BJP का प्रचार करने के लिए, कुछ जगह तो परमानेंट जाऊँगा, जो लोग मुझे हरियाणा यहाँ पाए थे उनके खिलाफ जाने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर, और आवश्यकता पड़ी तो BJP का तो एक एक आदमी हमारे साथ है, और BJP के स्टार प्रचारकों की जहाँ जहाँ डिमांड जिस हिसाब से होगी उनको बुलाया जाएगा, बाकी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक एक गाँव जाकर पूरे चुनाव तो देख रहा हूँ, और भाजपा के लोगों से बिल्कुल समझे से बिठा के हम सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। NDA का संयुक्त प्रत्याशी है नारायण बेनीवाल, और अगर ये जीत होती तो दोनों की संयुक्त जीत होगी, और मंडावा के अंदर भी जीत अगर होती है तो निश्चित रूप से RLP का भी बहुत बड़ा योगदान मंडावा। आपके सामने ध्रुव सिंह 2 बार चुनाव लड़े थे, दोनों बार बसपा से लड़े थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, अब जब उन्होंने BJP छोड़ी, उन्होंने कहा कि मैंने BJP छोड़ी कांग्रेस में शामिल हुए, तो उनका यह कहना था कि जो वर्तमान में जो स्थिति है BJP और RLP का गठबंधन, उन्होंने विरोध किया था और ये परिवारवाद है, तो उनके कमेंट्स को क्या कहोगे? देखिए मेरे साथ तो पहले कभी रहे नहीं, जब गठबंधन था BJP RLP का लोकसभा में तब ये कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे, उनकी सभाएं कराई, उसका प्रचार किया,
हमारे साथ कभी रहे नहीं, इसलिए इनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता, और उनसे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो दो तीन बार पहले ही आ चुके मेरे सामने, और होते तो और मजा चकर देता।